नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके 24 घंटे के राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों में आपका नैया डूबने वाली है। और दोस्तों आपको बता दें कि भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं, वे आपको किसी भी रूप में आकर बचा सकते हैं। और दोस्तों अब आपकी किस्मत घोड़े से भी तेज दौड़ने वाली है, क्योंकि दोस्तों माता रानी का सीधा आशीर्वाद अब आपके ऊपर आ चुका है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, आज की वीडियो ग्रह के विश्लेषण और पंचांग की गणना के अनुसार आपके लिए तैयार की गई है। तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों यदि आपको ये तीन बातें पता होंगी, यदि आपने इन्हें सुन लिया और यदि आपने अपने जीवन में इन्हें अपना लिया, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यकीन मान लीजिए इस जमाने में तो क्या ब्रह्मांड में कोई भी आपका बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों ये देवी अब आपके साथ खड़ी है और किसी भी रूप में आपकी छत्र छाया करने आ सकती हैं। कोई भी व्यक्ति आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि इस राशि के जातक अपने जीवन में सुखमय स्थितियाँ लेकर आते हैं, लेकिन इस समय काफ़ी परेशान चल रहे हैं और चिंतित भी चल रहे हैं। और दोस्तों पिछले कुछ समय से आपके जीवन काल में बहुत सारी परेशानियां तकलीफें आई हैं, लेकिन दोस्तों आपको मैं ये भी बता दूं कि आपके जीवन में कितनी भी तकलीफें आई हों, आपने उनका सामना डट कर किया है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के बारे में कुछ ऐसी ही खास जानकारियां मैं बताने वाली हूं, जिन्हें दोस्तों प्रत्येक जातकों को ये पता होने ही चाहिए। तो दोस्तों यदि आपने ये तीन बातें बिल्कुल ही ध्यान से सुन ली, तो दोस्तों यकीन मान लीजिए आपके जीवन के बारे न्यारे लग जाएंगे। और दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को मिस कर दिया, तो दोस्तों यकीन मान लीजिए आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आपने इन तीन बातों को कान लगाकर सुन लिया, तो आपको अपने जीवन में पुनः मुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब भी आप किसी कार्य को करेंगे, तो दोस्तों आपको इस कार्य में सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि महत्वपूर्ण बातें केवल आप ही के लिए हैं, और बहुत ही खास मोड़ पर आप ऐसे ज्ञानवर्धक बातें बताई गई हैं जिनके जानने के बाद में दोस्तों आपको बेहद ही ज़रूरी है। और दोस्तों साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो को लाइक कर दें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय शिव शंकर। दोस्तों जिससे माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और वे आपकी रक्षा करने ज़रूर आएंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण गलती के बारे में। दोस्तों वो कौन सी पहली गलती है जो आपको भूल करके भी नहीं करनी चाहिए और आप गलती से कर बैठते हैं? दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि उस गलती के कारण आपके काम में बहुत ज़्यादा रुकावटें आने लगती हैं और बहुत ही ज़्यादा बाधाएँ आने लगती हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस राशि के जातक सच्चे लोग होते हैं, इनमें कोई भी घटक नहीं होती है और किसी को भी लेकर इनके अंदर हीन भावना और बुराइयां नहीं होती हैं, कोई भी छल कपट इनके अंदर नहीं होता है। दोस्तों बस इसी चीज़ों से ये मात खा जाते हैं और ये कभी भी किसी को नुकसान पहुँचाने के बारे में, किसी को हानि पहुँचाने के बारे में भी, या फिर किसी को नीचे दिखाने के बारे में दोस्तों गलती से भी नहीं कोशिश करते हैं। और दोस्तों दूसरी बात में मैं आपको कुछ सावधानियाँ बताऊँगी। अंत में आपको ये भी बताऊंगी कि किस प्रकार माता रानी आपके ऊपर छत्र छाया करके खड़ी हुई हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपकी सावधानियों के बारे में। आज के लिए दोस्तों आपका समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे प्रेम संबंधों में थोड़ी खटास आ सकती है, दिल आपका खास रहने वाला है। दोस्तों दिन में भी रचनात्मक कार्यों में आप लग सकते हैं, आपके परिवार के लोग आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपके मन में शांति बनी रहेगी। दोस्तों लव मेट्स के लिए भी दिन काफ़ी अच्छा है और दोस्तों आपके शुभ काम भी जल्द ही बनने वाले हैं। प्रेरणादायक स्रोत का इंतज़ार करिए। सामाजिक कार्यों में क्षेत्र प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। लोहे के व्यापारियों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा व्यतीत होने वाला है। बातचीत का थोड़ा ख्याल रखने की आवश्यकता है, मन परेशानी से भी आपका थोड़ा परेशान हो सकता है। दोस्तों यदि आप बातचीत का ख्याल रखेंगे, अपनी बातचीत के तरीके ख्याल रखेंगे, आप अच्छी बातचीत करेंगे, आपने बहुत सारी परेशानियां हल भी हो जाएगी, आपसी व्यवहार में भी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों अध्यात्म में भी अधिक रुचि रह सकती है। दोस्तों बिजनेस में आपकी कोई बहुत बड़ी डील आज पक्की हो सकती है। गृह जीवन में दोस्तों हल्का सा तनाव दिख सकता है, लेकिन आप जो है आप पर सुलझा हुआ व्यक्तित्व इस तरह के अस्तित्व चीज़ों को सजा देगा। दोस्तों छात्र आज आप अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर के
अपने सीनियर से बात कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में आज आपको अपने मित्रों का सहयोग भी मिल सकता है। स्टील का कारोबार कर रहे वाले कारोबारियों को काफ़ी लाभ होगा। और दोस्तों, आप जीवन साथी के साथ में भी बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं। दोस्तों, आपका रिश्ता मजबूत होगा। आपके ऊपर कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, लेकिन दोस्तों, आप इसे बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, संपूर्ण कार्य आपका हो सकता है। पढ़ाई में कुछ नया बदलाव करने की ज़रूरत है। उच्च अधिकारी से किसी से मिलकर आप अपना नया समय व्यतीत कर सकते हैं। आपको अपने गुस्से को कंट्रोल में करने की आवश्यकता है। नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए फायदेमंद रहने वाली है। दोस्तों, आज आपका पूरा दिन ऑफिस में व्यस्तता से भरा रहेगा, परंतु दोस्तों, शाम को अपने परिवार के साथ में अच्छा समय बिता सकते हैं। आज के लिए दोस्तों, आपका दिन काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा है। ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों, दिन आपका अच्छा बीतने वाले हैं। आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो आपको प्रसन्न रखेगा, मन ही मन प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, आज आपको कुछ ऐसी बातें नहीं बोलनी हैं जो दूसरों के लिए सही नहीं हो। दोस्तों, आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, अतः आपको थोड़ा खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। और दोस्तों, आपको आपसी संबंधों में भी थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, जिसे दे करके दोस्तों, आगे आने वाले भविष्य के लिए ये चीज़ सही नहीं रहने वाली है। आपका खुशनुमा व्यवहार घर में खुशी का माहौल बना देगा। आज दोस्तों, कुछ उलझे हुए मामले सुलझ सकते हैं। लोगों को आपसे किसी तरीके की इच्छा हो सकती है। आज कुछ नए किस्म से लोगों से मिलकर आप अपने तजुर्बे को और भी बढ़ा सकते हैं। परिवार के साथ में कहीं बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं। भविष्य की चिंता आपको कहीं ना कहीं आमतौर पर परेशान कर सकती है। आज दोस्तों, पूरा दिन व्यस्तता से भरा हो सकता है। दोस्तों, आपका दिन व्यस्तता के बावजूद भी सुकून भी कहीं ना कहीं ढूंढ लेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो दोस्तों, आपको कोई नया परिणाम हासिल हो सकता है। पॉजिटिव वे में भी अगर देखा जाए तो दोस्तों, आपका समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें, आपके जीवन में कई सारी ऐसी परेशानियां आई हैं, लेकिन उसका आपने सामना बहुत ही डटकर किया है। कुछ ऐसी ही मुश्किलें अब आपके सामने खड़ी हुई है। वक्त है बस इस बात का कि आप उसका सामना कैसे और किस प्रकार कर सकते हैं। संतान पक्ष की तरफ से भी नई समाचार आपको मिल सकते हैं, जो आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेगा। दोस्तों, विद्यार्थियों को अपने प्रोजेक्ट में विफलता के कारण उनके आत्मबल में भी कहीं ना कहीं गिरावट हो सकती है, इसलिए दोस्तों, विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में अपना ध्यान केंद्रित करें। इसके साथ ही दोस्तों, आत्मबल आपका नीचे गिरता जा रहा है, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको बता दो, आपके लिए जो समय होगा दोस्तों, आपकी अधिक मेहनत लेने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, इस समय आपको कोई ऐसा निर्णय भी ले सकते हैं जिसके द्वारा दोस्तों, आप अपने जीवन में कोई नई दिशा भी आपको प्राप्त हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, अगर आपकी करियर को लेकर बात की जाए, अर्थात आपके व्यवसाय की, दोस्तों मार्केटिंग या फिर विद्यार्थियों को थोड़ा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय दोस्तों, यदि कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों, उसे संबंधित योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। और दोस्तों, इस समय ऑफिस में जो लोग हैं उनके साथ में आपकी व्यवस्था जो है थोड़ी बिगड़ सकती है, इसलिए आपको उनके साथ में रिश्ते को सही बनाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को लेकर बात की जाए तो दोस्तों, आपके कंधों में व जोड़ों में दर्द रह सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।